हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी आर्ट एंड स्टाइल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि हम सेक्युलेंट्स को घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। लाइक यू कैन से, अगर आपका एक सेक्युलेंट है तो उसको मल्टीपल कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस बाउल में ले लिया है गार्डन सॉइल, ठीक है, एंड दिस वन मैंने इसमें कोकोपीट भिगो के रखा था। आई थिंक दिखेगा नहीं, बहुत कम है, तो इसमें मैंने कोकोपीट भिगो के रखा था। बट वी नीड, ठीक, इसमें ऑलरेडी मेरी लाइक खाद मिली हुई थी, तो मैं आपको इसलिए रेशो डाली, इसलिए मैंने अभी नहीं मिलाई, उसका मैं कैप्चर करना भूल गई थी। तो मैंने क्या लिया था, रेशो 2:1:1, 2 इज पार्ट ऑफ द कोकोपीट, 1 पार्ट ऑफ अ गार्डन सॉइल, 1 पार्ट ऑफ अ खाद। ठीक है, खाद आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे गार्डनर आते हैं, जो गली में हमारे आते हैं, मैंने उनसे ही खाद ली थी एंड मैंने वही मिक्स किया, सिंपल डैट्स इट। और मेरे को कुछ मैंने मिक्स नहीं किया है एंड हम जस्ट मिला देंगे। एंड हमें क्या करना है, सिंपल सेक्युलेंट का जो लीव होता है वो जस्ट इसके अंदर दबा देते हैं। लेट मी शो यू, मेरे पास अगेन आई हैव लॉट्स ऑफ सेक्युलेंट्स इन माय होम। देखिए दिस वन, ये मेरे थोड़े दिन, लाइक आई थिंक लास्ट मंथ मैंने इसको ग्रो किया था। ये कितना अच्छा ग्रो हो चुका है, सेम वे था मेरा ग्रो करने का। सॉरी, ये मैंने टू मंथ्स पहले किया था एंड देखिए कितना अच्छा ये हो चुका था। एंड मैंने सेम वे लिया था, कुछ डिफरेंट नहीं लिया था। और मैं क्या करती हूँ, बेसिकली कोई लीफ लाइक जैसे टूट जाती है तो उसको क्या करती हूँ, अगर मेरे पास समय मिक्सर नहीं है तो जो भी गमला है ना, मैं उसमें ऊपर ही रख देती हूँ। लाइक जैसे रबर प्लांट है, आई नो कि उसमें मुझे वाटर कम देना है, तो मैं उसकी लीव्स में ही, सॉरी उसकी मिट्टी में ही अपना सेक्युलेंट का जो लीफ है वो डाल देती हूँ। मैंने लीफ को ठीक है, मैंने प्लांट तोड़ा है, बट मैं लू जस्ट इसे लाइक दिस, दैट्स इट। कुछ नहीं, कुछ प्रेस नहीं करना है, जस्ट आपको ऐसा रख देना है एंड वेट फॉर लाइक यू कैन से अ वीक, तो आपको ऐसा रूट्स दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें तो खैर रूबी बल्ब भी आ चुका है, वैसे शुरू हो जाएगा दिखना। एंड देन फिर धीरे धीरे विद इन अ वीक आपका प्लांट आ जाएगा, छोटा सा बेबी आ जाएगा। देन विद इन लाइक मंथ, यहाँ पर मैंशन किया था वीडियो के मिड में कि मेरी कोई भी लीफ फॉल होती है तो मैं ऐसे उसको प्लांट्स में दबा देती हूँ लाइक दिस। एंड देखिए कितना अच्छा रूट्स निकलना शुरू हो गया। लेट मी शेयर द स्टेटस नाउ। ये वाला मेरा आफ्टर वीक का है, आफ्टर वीक मेरे ये ऐसे रूट्स निकलने शुरू हो गए। यस, दिस इज़ द स्टेटस ऑफ आफ्टर यू कैन से 15 days, 15 to 20 days के बीच में आपके ऐसे पप्स बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द स्टेटस ऑफ यू कैन से अप्रॉक्स 3 to 4 weeks, ये मंथ का है। दिस वन इज़ आफ्टर 1 month यू कैन से, और समटाइम्स 3 weeks में भी हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, बट एटलीस्ट वेट फॉर अ मंथ, तो ये आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। द सिमिलर वे मैंने ये ग्रो किया है, सेम वे में। एंड लाइक ये मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी फ्रेंकली स्पीकिंग, वहाँ से मैंने छोटा सा तोड़ के लेकर आई थी एंड ये अप्रॉक्स 5 to 6 months में लेके इतना अच्छा ग्रो हो गया है। यस, इट्स अ रिजल्ट ऑफ 5 to 6 months। सो सेक्युलेंट्स को ग्रो करना बहुत ईजी है, बस इसका एक ही है कि इसको पानी आप कम से कम दें वंस इन अ वीक अगर समर्स है, एंड अगर विंटर्स है तो वंस इन अ 2 weeks। एंड प्रेफर कोकोपीट, इसको गार्डन सॉइल में मत लगाइएगा वरना ये गल जाएंगे। इन द सेम वे आई ग्रो अदर सेक्युलेंट्स, दिस वन एज वेल आई ग्रो इन अ सेम वे। लाइक आप ये बोल सकते हो ये अप्रॉक्स 7 months का रिजल्ट है, यही वाला सेक्युलेंट आफ्टर लाइक 7 or 8 months में, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लास्ट विंटर के आसपास ही मैंने इसको ग्रो किया था, ठीक है। एंड ये 7-8 months में ये इतना सुंदर ग्रो हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है या थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स और अ प्लांट लवर। एंड कमेंट डाउन कि आपने ये चीज़ ट्राई किया या नहीं किया, ट्राई किया तो सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू कि अगर हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।